हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मखाने की 5 तरह की स्नैक्स आइटम बनाने सिखाने जा रही हूँ। मखाने, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसको इंग्लिश में फॉक्स नट भी कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मखाने इतने न्यूट्रिशियस होते हैं तो भी हम लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक जैसा खाने से या सिर्फ रोस्टेड खाने से हम लोग उबने लग जाते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को हेल्दी के साथ टेस्टी भी बनाते हैं, ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। मखाने शुगर के जो लोग हैं उनको भी रिकमेंड किया जाता है, वेट लॉस में भी खाया जाता है। तो क्यों ना आज इसी को एक्सप्लोर करें और अच्छी तरह से इसकी रेसिपी को बनाना सीखें, अलग अलग वैरायटीज में सीखें। चलिए इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मखाने को तकरीबन 150 ग्राम मैंने बिना तेल घी के इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। थोड़ी देर धीमी आंच पर हम चला चला के इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। अगर मखाने करंची जैसे हो जाए, हाथ से आसानी से टूटने लगे, तो आगे फ्लेवरिंग के लिए रेडी हैं। पहले रेसिपी का नाम है खट्टे मीठे मखाने। इसके लिए देखिए क्या लेते हैं हम। अपने क्वांटिटी जो मैंने 30 ग्राम मखाने के लिए ली है, आधा चम्मच चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर उसके अंदर मैंने काला नमक थोड़ा डाला है, लाल मिर्च का आधा चम्मच पाउडर डाला है, उसमें फिर अमचूर डाला है, और इन सब को मैं आधा चम्मच या एक चम्मच क्वांटिटी के हिसाब से शहद लेके थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अच्छा सा एक थिक पेस्ट जैसा बना लूँगी। अब वो 30 ग्राम मखाने वापस मैं स्लो फ्लेम पर पैन में हल्का सा गरम कर लूँगी। ऑलरेडी ये रोस्टेड मखाने हैं, याद रखिए। फिर इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था सब मसालों का, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने से पहले मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आप ये देखेंगे हमारे खट्टे मीठे मखाने रेडी हैं। अब इसको हम बाउल में सर्व कर लेंगे। चलिए हमारे सेकेंड रेसिपी का नाम है मैगी मखाना, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है। उसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेते हैं, उसमें हमने एक चम्मच बटर डाला है। बटर जैसे ही पिघल जाता है, उसके अंदर जो हमारे रोस्टेड मखाना है उसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद उसमें थोड़ा सा मैं काले मिर्च डालूंगी। काले मिर्च डालने के बाद मुझे उसको थोड़ा मिक्स करना है, और फिर एक पैकेट जो मैगी मसाला मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी काट के उसके अंदर डाल दूंगी। मैगी मसाला डालने से पहले मैं थोड़ा गैस बंद कर दूंगी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। उसके बाद अच्छी तरह से मैं इस सारे मसालों को उसके ऊपर मिक्स कर दूंगी, ताकि वो उस पे कोट हो जाए। और अब अगर आप देखेंगे तो हमारा मैगी मखाना रेडी है। अच्छी तरह से कोट होने के बाद फिर मैं एक बाउल में इसको सर्व कर दूंगी। अब हमारी तीसरी रेसिपी का नाम है पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड मखाना। पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड मखाना बनाने के लिए, ये भी बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, हम पैन लेंगे। पैन में एक चम्मच बटर को अच्छी तरह से पिघला देंगे। उसके बाद जो हमारे रोस्ट किए हुए मखाने हैं, जो मेरे 30 ग्राम क्वांटिटी या 1 बाउल हैं, उसमें मैं डाल के इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी। उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। उसके बाद मैं उसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी। चिली फ्लेक्स के बाद मैं ऑर्गेनो भी डालूँगी, ऑर्गेनो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा काले मिर्च भी डालूँगी। और काले मिर्च डालने के बाद मैं उसमें थोड़ा गार्लिक पाउडर और टमाटो पाउडर भी डालूँगी। गार्लिक पाउडर और टमाटो पाउडर मैंने अपने घर में ही रेडी किया है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बस इसको हम अब
अच्छी तरह से मिक्स हो कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको सारे मसालों को इसके ऊपर कोट कर देंगे। कोट करने के बाद ये बिल्कुल ही रेडी है। अब इसको बाउल में डाल के मैं वापस से सर्व कर लूँगी। चौथा रेसिपी है नमकीन मखाना। नमकीन मखाना लेने के लिए एक पैन में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद थोड़ा मूंगफली के दाने मैं उसके अंदर रोस्ट करूंगी। धीरे धीरे मूंगफली को चलाते हुए इसको थोड़ा हल्का सा भुना हुआ जैसा कर देंगे। भुनते भुनते इसमें मैं थोड़े करी पत्ते भी डाल दूंगी। करी पत्ते भी मूंगफली के साथ ही रोस्ट हो जाएंगे और उसका अच्छा स्वाद आने लगेगा। उसके बाद इसके अंदर मैं नारियल के जो सूखा नारियल है उसके थोड़े पीसेस भी डाल दूंगी। उसको भी हल्का सा चला लूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जो हमारे रोस्ट किए हुए 30 ग्राम मखाने हैं वो इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं मसाले डालती हूँ, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक। और मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो मसाला डाल रही हूँ मैं 30 ग्राम क्वांटिटी के मखाने के हिसाब से इसमें मिक्स कर रही हूँ। फिर इसके अंदर थोड़ा काला नमक भी डालेंगे, काला नमक और थोड़ा काले मिर्च पाउडर भी डालेंगे। सब मसाला डालने से पहले मैं गैस बंद कर देती हूँ ताकि मसाले ना चलें। अब मसाले को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारा नमकीन मखाना बिल्कुल रेडी है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके लिए भी आप घर में बना के इसे पहले से ही रेडी करके रख सकते हैं। हमारी पांचवी रेसिपी है कैरेमल मखाना। क्योंकि अगर आखिरी में मीठा नहीं खाया तो कंप्लीट ही नहीं लगता है। चलिए सीखते हैं कैरेमल मखाना बनाने की विधि। उसके लिए पैन में हम थोड़ा सा एक चम्मच देसी घी डालेंगे। फिर मैंने इसके अंदर गुड़ डाला है। गुड़ को चलाकर मैं अच्छी तरह से उसको भूनूंगी और इसमें भूनते समय मैं थोड़ा सा तिल के दाने भी, सफ़ेद तिल के दाने भी डाल दूंगी। डालकर मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ। इसमें मैंने बारीक झीने कटे हुए सूखे नारियल भी मिक्स कर दूंगी। अब इसमें जो पहले से ही रोस्ट किया हुआ मखाना है 30 ग्राम उसको मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गैस भी इस सब स्टेज पे बंद करने वाली हूँ और उसके बाद मैं इसको सर्व कर दूंगी बाउल में। बाउल में सर्व करने के बाद मैं ऊपर से थोड़े से बारीक झीने कटे हुए नारियल और लंबे कटे हुए नारियल से मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। फ्रेंड्स ये पांचों रेसिपी मखाने की बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मखानों को अपने डाइट में रेगुलर खाने में ज़रूर शामिल करिए क्योंकि ये नेचुरल कैल्शियम के सोर्स होते हैं और अगर किसी को बॉडी एक वगैरह हो तो वो उसको दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग डे।